बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिनों के यूपी दौरे पर हैं। अपने दौरे के समय नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज दोपहर करीब 1:30 बजे नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद नड्डा शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ एक बैठक करेंगे। इसके बाद वो बीजेपी नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अगले दिन जेपी नड्डा अवध क्षेत्र के पार्टी के सांसदों और विधायकों से मिलेंगे, साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने एक मंदिर के पीछे बने सार्वजनिक शौचालय को तहस नहस कर दिया। इससे पहले इन लोगों ने प्रशासन से हटाने की मांग की थी, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इसे खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। मंदिर के पीछे और बस अड्डे के नजदीक बने इस सार्वजनिक शौचालय को तोड़ने के लिए कई लोग लोहे के पाइप लेकर उस पर टूट पड़े। एक आदमी तो पत्थर लेकर उसे तोड़ने में जुट गया, जबकि कुछ लोग एक गेट को उखाड़ने लगे। हम इसे खुद ही इसे ढाने में सक्षम है और हम इसे ढा चुके हैं और अभी इसे साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ करेंगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी हथौड़ा लेकर एक दीवार को तोड़ने लगा। उसके थकने के बाद वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने हथौड़े से दीवार गिराने का जिम्मा संभाल लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने खूब नारेबाजी की। मंदिर के पास मौजूद इस सार्वजनिक शौचालय को हटाने के लिए उन लोगों ने वहां काफी देर तक उत्पात मचाया। कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई कमेटी में खाली हुई जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। न्यूज 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया और उससे पूछा कि एक सदस्य के अलग होने से कमेटी में जो जगह खाली हुई है उसका क्या करना है। साथ ही चीफ जस्टिस ने इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की कि कुछ लोग कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठनों और कई पार्टियों ने कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनी कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, जबकि इसके सदस्यों का काम केवल किसानों से बातचीत करना और उनकी जो दिक्कतें हैं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसके बाद एक निष्पक्ष राय सामने आएगी। इससे पहले कुछ किसान संगठनों की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में पूरी कमेटी को बदलने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से केवल एक जगह खाली होने पर जवाब मांगा, पूरी कमेटी बदलने पर नहीं। बीते कई महीनों से जंगल की आग से जूझ रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेज हवाओं से एक बार फिर आग भड़कने का खतरा पैदा हो गया। वहां के कई इलाकों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूखी और तेज हवाएं चली, जो अपने रास्ते में आने वाली चीजें भी उड़ाती गईं। ताकतवर हवाओं की वजह से कई पेड़ मकानों के ऊपर गिर गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में भारी भरकम पेड़ हवाओं के थपेड़े सहते नजर आए, जबकि कुछ हार मानकर धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर में तो एक गाड़ी सड़क पर पलटी दिखी। तूफानी हवाओं ने बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचाया। एहतियात के तौर पर जंगल के आसपास के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई, क्योंकि डर है कि हवाओं की वजह से बिजली के तार टूट सकते हैं और उनसे निकलने वाली चिंगारी आग भड़काने में मदद कर सकती। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी जंगल में आग लगने की छिटपुट घटनाएं सामने आईं। अधिकारियों ने लोगों को चौकन्ना रहने और जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी।